खबर छत्तीसगढ़ के सराय पाली से है, जहां थाना प्रभारी शिवानंद तिवारी और उनकी टीम ने सीमेंट से भरे ट्रक को चोरी करते ले जाते दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शिकायतकर्ता नीरज अग्रवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि झिलमिला चौक सराय पाली के पास खड़ी ट्रक को कोई अज्ञात चोर लेकर फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस ट्रक में 530 बोरी सीमेंट से लदी हुई, जिसकी कीमत 26,60,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। सरायपाली से संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं मोहम्मद अखराब सरायपाली जिला महत्व। सर, सरायपाली पुलिस ने सीमेंट से भरी ट्रक चोरी करने वाले आरोपियों को पकड़ा है, क्या है मामला? हाँ, कल नीरज अग्रवाल है, ये सरायपाली के हैं, व्यापारी हैं, इनकी ट्रकें चलती हैं। इनका ड्राइवर शंकर प्रसाद बारीक है, जो सीमेंट भर कर आया था झिलमिला रोड किनारे खड़ा था 11 बजे दिन में, और गाड़ी में डीपी लगी तो अचानक इनको दिखा करीब तो शाम को कि इनकी गाड़ी में ले जा रहा, तो ड्राइवर से पूछे कि गाड़ी क्यों ले जा रहा, बोले मैं नहीं ले जा रहा हूँ। फिर उन्होंने टेस्ट किया तो ये गाड़ियाँ जो है सिहोड़ा तरफ जो है ये चोर हैं, रंजोत सरदार है रैना, एक पैर का विकलांग है, उसके साथ में बिलेश्वर मार्कंडे, दोनों मेरी गाड़ी चोरी करके ले जा रहे थे, जो 45 पास एक्सीडेंट होने से गाड़ी रुक गई है। उसके बाद जैसे रिपोर्ट हुई, पुलिस तत्परता दिखाते हुए 1 घंटे के अंदर परिस्थित कर लिया। आरोपियों के गाड़ी और सीमेंट बरामद हुआ है। गाड़ी कीमत 25 लाख है, सीमेंट को 1,60,000 है, लगभग 26,25 लाख की कीमत है। अभी आरोपी दोनों पुलिस की गिरफ्तार में है, उनके न्यायिक रिमांड भेजा है।